अरे बधाई हो मोनिका, मैंने सुना है तुम SDM बन गई। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओ, तुम्हें पता चल गया मैं SDM बन गई हूँ। वैसे तुम यहाँ जॉब के लिए आए हो तुम मेरे पास? अरे मोनिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब हो, ये सब तुम्हारे कपड़ों से पता चल रहा है। वैसे ना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आए हैं। जॉब के लिए आया होगा, पर यार बहुत दुख की बात है, मेरे यहाँ ना कोई पोस्ट खाली नहीं है। पर हाँ, एक ना चपरासी की जॉब खाली है, वो तुम कर लोगे ना? तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी ना? वैसे भी पुनीत, इन्हें शर्म कहाँ आएगी, ये तो यही काम करते हैं। अरे मोनिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मोनिका, ये देख, कॉलेज में भी ऐसे ही रहता था, गवारों की तरह कुर्ता पजामा पहन के, और अब भी इसकी हालत ऐसी है। अब तो पहले से भी हालत खराब हो गई है, ऐसे ही रहेगा ये तो। हाँ सही बात है तुम्हारी, वैसे तो मैं तुझे कॉलेज में तो भाव देती नहीं थी ना, अब दूंगी। पर हाँ, जॉब तो मैं तेरी लगवा ही दूंगी, बता चपरासी की जॉब कर लेगा ना तू? चल ये सब छोड़, तुझे पता है आज मेरे घर पे डिनर करने कौन आ रहा है? मिस्टर शर्मा आ रहे हैं। तूने उन्हें देखा है? देखना तो दूर की बात, तूने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तेरी विश पूरी करवा दूंगी और उनसे ना तुझे मिलवा दूंगी, पर ना एज अ पियोन मिलेगा तू? ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तो तू यहाँ आ गया है, पर तेरी औकात नहीं है कि तुझे मैं अपने घर ले जा सकूं। लेकिन हाँ, मैं तुझे ना अपने लग्जरियस घर की ना वीडियो जरूर दिखा सकती हूँ। ये हमारे घर का पेंट देख रहा है, पूरे 10 लाख का पेंट है। और ये जो सोफे देख रहा है ना, ये भी पूरे ना 20 लाख के हैं। और ये जो झूमर लग रहा है, ये तो पूरा 1 करोड़ का है। और ये पर्दे देख रहा है, पूरे 1.5 लाख के हैं। तूने तो देखे नहीं होंगे, और वैसे भी ना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, ये सब तूने कहाँ ही देखी होगी। अरे मोनिका, इसे अपनी रिंग तो दिखा। सही कह रहे हो, देख ये दी मेरी रिंग, पूरे ना 5 लाख की है। और वैसे भी तेरी औकात कहाँ है 50 रुपए की रिंग खरीदने की? और ना मुझे ये सोच के बहुत बुरा फील होता है कि तू गरीब है, काश तू भी मेरी तरह अमीर होता। मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, और जितना भी मुझे भगवान ने दिया है ना, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है, तुम जैसे पहले थी ना, आज भी ऐसी ही हो। तुम पहले भी पैसों को बढ़ावा देती थी, आज भी पैसों को ही बढ़ावा देती हो। तुम इंसान के कपड़े देखकर उसे जज करती हो, उसकी औकात का अंदाजा लगाती हो। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की? अबे अपनी औकात तो देख ले, अपने कपड़े तो देख ले। देख लो, अगर मैं अब भी यहाँ से चला गया ना, तो कहीं आप दोनों को पछताना पड़े। चले सर। सर, तुम इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? कहाँ का सर है ये? अरे मैडम, आप जानती नहीं हो, ये मिस्टर शर्मा है। क्या ये मिस्टर शर्मा है? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मिस्टर शर्मा है, मैं आपका ही वेट कर रही थी। पर सॉरी यार, ये सारी बातें ना दिल पर मत लेना, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे ना माफ कर देना। और वैसे भी ना हम आपका ही खाने पे इंतजार कर रहे थे, क्यों पुनीत? हाँ। अरे वाह, अभी तो तुम अलग टॉर में बात कर रहे थे, अब तुम्हें पता चला कि मैं मिस्टर शर्मा हूँ, तो तुम्हारा टॉर ही चेंज हो गया। अभी तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे कि तुम गरीब हो, ये हो, वो, और अब तुम्हें पता चला कि मेरा सरनेम मिस्टर शर्मा है और तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम बिल्कुल ही चेंज हो गए, माफी मांगने लगे। नरेश, सॉरी सर, आपको तो पता है मोनिका की कॉलेज टाइम से आदत है मजाक करने की, तो इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो मजाक करती रहती है, आपको तो पता ही है। हाँ आपको तो पता है ना मेरी मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। अच्छा, मजाक कर रही थी तुम मुझसे? मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम अपनी रिंग मुझे कितने की बता रही थी? 5 लाख रुपए की। पुनीत, तुझे पता है ये रिंग कहाँ से आई है और किसके पैसों से आई है? ये रिश्वत को पैसों से आई है। और जो तुम मुझे दिखा रही थी ना, डाइनिंग टेबल, पेंट, सोफा, बेड, वो किससे आया है? करप्शन के पैसों से। पता है तुझे, तुम्हें SDM बने कितना टाइम हुआ है? कुछ ही टाइम हुआ है, उतने में ही तुम हवा में उड़ने लगी। आपको तो पता ही है कि सिस्टम कैसा है, रिश्वत तो सभी लेते हैं, तो हमें भी लेनी पड़ती है। क्या बोला, सिस्टम ऐसा है? मोनिका, सिस्टम ना तुमसे चलता है, ठीक है? अगर तुम अपनी जगह ईमानदार रहोगी ना, तो पूरा सिस्टम ईमानदार हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुमको तो करप्शन की तरफ जाना था, तुम करप्शन की तरफ चले गई। और तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होगी? इसकी सजा होगी जेल। क्या जेल? और जो तुम ये सब मुझे बंगला, गाड़ी, ये सब दिखा रही हो, किससे आया? 2 नंबर के पैसों से। तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया 2 नंबर से, लेकिन इज्जत नहीं कमा पाई, क्योंकि इज्जत ना सच्चाई की राह पर चलने से आती है, ना कि 2 नंबर के पैसों से। वैसे तुम ना अब जेल तो जाओगी, और हाँ पुनीत, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी पत्नी की लिस्ट मैं तुम्हारे पास भेजूं ना, तो ये देखना इसने कितना पैसा कमाया है 2 नंबर से, कितनी रिश्वत ली है, तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे मैं तुमको बता क्यों रहा हूँ ये बात,
तुमने भी अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया है, जेल तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अब तुम दोनों ना तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट ऊपर कर दी है। तुम्हारी जॉब तो जाएगी जाएगी और साथ में तुम जेल भी जाओगी अब। अरे नरेश सॉरी सर, हमें ना एक मौका दे दो, हमें माफ कर दो, हमने जो भी गलतियां करी हैं, जो भी रिश्वत ली है, आज के बाद कभी नहीं लेंगे और कभी भी दो नंबर के पैसे की सोचेंगे भी नहीं। जो काम ये करेगी ईमानदारी से करेगी, बस हमें एक मौका दे दो, माफ कर दो हमें। सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, पर इस चीज के लिए मुझे जेल मत भेजो प्लीज। देखो मुझसे सॉरी मत बोलो, मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि जेल तो तुम दोनों जाओगे, क्योंकि तुमने जो घोटाले किए हैं, जो तुमने इतना पैसा खाया है ना, ये सब आम जनता का पैसा है, क्योंकि ये टैक्स का पैसा था। टैक्स कहाँ से आता है? आम जनता से। तो तुमने उनका पैसा खाया है, तुमने बहुत गलत किया है, जिसके लिए तुम्हें जेल जरूर जाना पड़ेगा। और जो तुम ये लाखों करोड़ों रुपए का घमंड मुझे दिखा रहे थे ना, ये घमंड मुझे मत दिखाओ, ये घमंड ना अंदर जेल में जाके दिखाना, फिर देखते हैं वो पैसा काम आता है तुम्हारे या नहीं आता। तुम्हारी जॉब तो जानी पक्की है और साथ ही साथ जेल भी जाना पक्का है तुम्हारा, ठीक है? अब चलो, थोड़ी देर में पुलिस वाले आते होंगे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए।